भारत में चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब सूर्यान अंतरिक्ष की ओर अग्रसर। इसरो वैज्ञानिकों को और देश के युवा पीढ़ियों और ऊर्जावान को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूं इस वक्त लोकतंत्र का जो चुनावी मुद्दा है उसके बारे में। लोकतंत्र हमारे देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर गांव के प्रधान तक का यह चुनाव होती है। यह चुनाव पिछले 75 वर्षों से देश में लोगों का तंत्र बना हुआ है। यह विश्वास के साथ लोगों को या जो है देश की सेवा के लिए नेताओं को चुना जाता है। वर्षों में कोई ना कोई चुनाव भी होता रहता है। कभी सांसदीय चुनाव तो कभी विधायकी चुनाव, कभी गांव में BTC चुनाव तो कभी जिला चेयरमैनी चुनाव, कभी सरपंची चुनाव, कभी ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बताते चलूं कि ये लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ सकती है। तो कभी ये चुनाव तो कभी वो चुनाव से हम सभी लोग देशवासी उब चुके हैं, क्योंकि लोकतंत्र में या जो है बार बार चुनाव होना भी हम सभी का पैसा जो टैक्स होता है वह खर्च होता है, वह सरकारी खजाने से ही खर्च होता है। तो आओ हम सभी लोग इसके बारे में सोचें और देश को विकास स्तर और तेज़ी के साथ कार्य करें। जो पैसा चुनाव में बार बार खर्च होता है वह पैसा यदि बचेगा तो हम सभी लोग जो है देश को और विकास और देश को मजबूत बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। यह सब देखते हुए हम सभी को आज इसके बारे में सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हम सभी को बार बार चुनाव में ही जाना और हम सभी का समय भी नष्ट होता है और कई ऐसे कार्यों में भी लिप्त होना पड़ता है जो कि समय नहीं होती है। चुनाव होता है मेरे देश में कहना भी एक बड़ा लिस्ट है, फेरिस्ट है। जो आपको बता दूं कि चुनाव की जो सूची है आप करते रहेंगे और पैसा जो है भारत सरकार के खजाने से लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है खर्च हो जाते हैं। यह पैसा हम सभी को बचाना है। बार बार चुनाव में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सोच रहे हैं कि देश में एक नेशन एक चुनाव होनी चाहिए, और यह बहुत ही लाजवाब बहुत ही सराहनीय कार्य है। यह हम सभी को आगे बढ़कर सोचना चाहिए। जिस तरह से हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम लोग जो है चंद्रयान की सफलता मिली है, अब हम सूर्यान की ओर हम सभी लोग अग्रसर हो रहे हैं और अंतरिक्ष की ओर चल रहे हैं, तो उसी तरह से अब हमारी सोच भी बहुत कई गुना डेवलप करना है। और हम सभी को यह मानना है कि विकसित राष्ट्र भारत होने जा रहा है, तो हम सभी लोगों को अनेक तरह के सोच भी आगे पीछे सोचना भी चाहिए। तो बार बार खर्च करना चुनाव में या कहीं का जो है समझदारी नहीं है। और हम सभी लोग पिछले कई वर्षों से देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी या खुद हर संबोधन में कहते आए हैं कि एक देश एक चुनाव का नारा देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ही देन है। हम सबको यह समझना चाहिए कि यदि एक चुनाव होगा 5 साल में तो जो भी लाख करोड़ जो भी अरब रुपये खर्चा होगा एक ही बार होगा, और एक ही बार चुनाव में एक सरकार चुन लेंगे। उसके बाद जो है हमारे सारे जो भी पैसे खर्च होते हैं हर बारी लाखों करोड़ों रुपए वह बच जाएंगे, सिर्फ एक बारी खर्च होगा। तो यह जनता आप समझे, और यह सभी लोग दल जो भी हैं अपने देश के नेतागण ये उन्हें भी यह समर्थन करना चाहिए। और अपनी जो है यह वोट देना सबका अधिकार भी है, सबको वोट देना भी चाहिए, लोकतंत्र की पर्व मनाना चाहिए। लेकिन जो अनेक बारी सरकारी खजाना से चुनाव का पैसा हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, यूँ खर्च होता है, तो हम सभी को कितना बड़ा जो है या भिड़ामना होती है कि कितनी बड़ी आघात पहुंचती है, और उन गरीब और उन देश को विकास के जो काम में आना चाहिए वह नहीं हो पाती है। बार बार हर वर्ष जो है चुनाव ही चुनाव होता है, इसका क्या मतलब है? एक बार चुनाव होना चाहिए जिससे कि हमारे देश में, जिससे कि हम यदि विदेशों की बात करें तो अमेरिका ले लीजिए, वहाँ भी एक चुनाव होता है और एक चुनाव से ही जो है 4 साल की सरकार बन जाती है। उसी तरह से हमारे देश में 5 साल की सरकार चुननी है तो एक बारी में ही सबको जो है एक चुनाव हो जाना चाहिए, जिससे कि सारा
पैसा खर्च होनी बचना चाहिए। एक नेशन एक चुनाव की नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का है। यह बात जिस तरह से लगातार संबोधन में कर रहे हैं और कल बैठकें भी हुई, लगातार बैठकें भी चल रहा है सांसद भवन वगैरह में। अब सिर्फ भारत वर्ष में एक चुनाव होनी चाहिए, बार बार आम जनता का भी राय है और नेता को भी, या इसमें हाँ में हाँ मिलाकर शामिल होना चाहिए। और यह चुनाव डालने आम जनता सिर्फ एक बार ही जाएगा, जिससे कि हमारे देश की पैसा और हजारों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बचेगा। उससे हमारे देश की विकास स्तर और मजबूत होगी, गरीबी दूर होगी और अनेक लोगों का विकास होगा। और हम बार बार चंद्रयान और सूर्यान और अंतरिक्ष की ओर विकसित करते रहेंगे और वहाँ पर भी घर बनाएंगे। तो इसे देखते हुए चुनाव में हम सभी को, या एक चुनाव से ही हम सभी का कल्याण है। बार बार चुनाव से देश की जनता का पैसा जो खर्च होता है, वह हम सभी को हम परेशानी और बहुत बड़ी संकट, और देश जो है हमारा डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए हम सभी लोग, नेतागण और अनेक दलों से अपील है कि आप इस सबको मानते हुए आगे बढ़ें। फिर हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।